रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना मिंदे शहजाद। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 9, जो कि हमारे पास है हमारा हुर्रे फॉर इन्वेंटर्स, उसकी एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 88 पर हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मल एंड लैक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखेंगे राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि रिकग्नाइज एंड जनरेट राइमिंग स्ट्रिंग्स इन राइटिंग, राइट वन मोर राइमिंग वर्ड टू कम्प्लीट ईच स्ट्रिंग, मैन कैन पिक्चर को देखते हुए, वैन पेन डेन हैन, नाइट फाइट लाइट, रिंग विंग किंग, रेन क्रेन चेन, फन बन एंड रन, रग मग जग, माउस लाउस और हाउस। अब पेज नंबर 89 पर हमारे पास हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है यूज़ ऑफ मे और मे नॉट। जब भी आपने किसी की से परमिशन लेनी है या किसी से कोई परमिशन किसी को ग्रांट करनी है, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे मे। जैसे मे आई कम इन, मे आई यूज़ योर पेंसिल, मे आई यूज़ योर हेयर ब्रश, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। और जब आपने किसी को किसी चीज़ से मना करना है तो यू विल यूज़ मे नॉट। यू मे नॉट वियर शूज़ इन द ऑफिस, यू मे नॉट स्मोक इन द बस, मे आई गो टू द पार्टी, नो यू मे नॉट, मे आई एंटर द रूम, नो यू मे नॉट। अब पेज नंबर 89 पर हमारे पास क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंसेस एंड यूज मे और मे नॉट इन ईच गिवन सेंटेंसेस। जी, अब हम इसको देखते हैं और ये हमारे पास क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हमें कह रहे हैं हमारे पास बेसिकली हमारे ये, मे आई सी योर पिक्चर प्लीज़, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, यू मे नॉट स्मोक इन द बस, मे आई लीव इफ़ यू विश, मे आई सिट हेयर, मे आई गो टू वॉशरूम, यू मे नॉट मेक अ call on mobile in the class, she may not need your help, may I ask you a question, may you live long। अब चलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि हमारे पास है पेज नंबर 90 के ऊपर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स पे जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है हमारे क्वेश्चन वर्ड्स का। अब तस्वीर को देखते हुए और सवाल को देखते हुए हमने क्वेश्चन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट टाइम यू आर लिविंग, वेयर आर यू गोइंग, हु ब्रोक द टॉल, व्हेन डू यू गो टू बेड, Who is calling? Where are my shoes? Where is your birthday party? Then, what is your favorite color? Why are you so sad? अब चलते हैं हम अपने पेज नंबर 92 पे और क्रिएटिव राइटिंग के पोर्शन पे। यहाँ पर हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैरेंथेसिस। जी, यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो बैंक के आगे आपको जो एक हिंट दी गई है कि आपने क्या यूज़ करना है। जैसे कि डे ऑफ द वीक है तो यहाँ आप कोई भी दिन लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो दिन हम आपको बता रहे हैं आप वही लिखें। फैमिली मेम्बर की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, फादर मदर अंकल ब्रदर, ठीक है। पेट में भी कोई नाम लिख सकते हैं, कोई भी एनिमल, अपनी मर्ज़ी का फूड नेम लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की ड्रिंक लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की आप कोई भी एक्शन वर्ड लिख सकते हैं और गेम लिख सकते हैं। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आज के इस वीडियो लेसन में हमने अपने इस यूनिट को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।